यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गौ संरक्षण की मुहिम का असर अब दिखने लगा है। लोगों में गौ माता को पालने का न सिर्फ क्रेज बढ़ा है, बल्कि लोग इससे अच्छी खासी कमाई भी कर पा रहे हैं। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी शहर में पिछले एक साल में गौ वंश पालन की संख्या में 30,000 की बढ़ोतरी हुई है, जो ये बताता है कि धर्मनगरी में गौ माता के पालने का क्रेज काफ़ी तेजी से बढ़ा है। वाराणसी नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल गौवंश की संख्या 6,06,849 है, जो पिछले साल 5,76,000 के करीब थी। इस तरह साल 2022 में करीब 30,000 गौवंश पालन बढ़ा है। गौवंश पालन बढ़ने के साथ ही इससे सीधे तौर पर पशुपालकों को आय का नया साधन भी मिला है। गौपालक गाय के दूध और उससे जुड़े उत्पादों को बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर पा रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि सीएम योगी लगातार इसके लिए मुहिम चला रहे हैं, जिसका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। देखिए, हमारा देश तो पहले से ही गौ वंश को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया हुआ है। इस आस्था का निर्वहन करता है हमारा समय। इधर जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी हुए हैं, तब से गोवंश के प्रति एक उनके प्रति जागरूकता के प्रति एक आंदोलन सरकार ने चलाया। इस कारण से काफ़ी जागरूकता बढ़ी है लोगों को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी विगत में हम कोरोना की दंश को झेले हैं, और उसमें ये चीज़ें निकल करके आई कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो काफ़ी हद तक कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त किए। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो गाय का दूध और गाय का घी इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है। इसमें कैरोटीन विटामिन ए का काफ़ी रिच सोर्स है, तो इस लिहाज से लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील जो गोवंश के प्रति है, गोवंश के संरक्षण के प्रति है, गोवंश के संरक्षण के लिए जो सरकार के द्वारा धनराशि दी जा रही है, इन सब चीज़ों का काफ़ी योगदान है कि लोगों की जागरूकता बढ़ी है। और बनारस तो एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे लोग काफ़ी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं, तो नेचुरली है, बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग इसके प्रति जागरूक हों, प्रकृति के नज़दीक आए, गौ माता से प्रेम करें और उनके संरक्षण और पालन पर जोर दें, उनके दूध और घी का इस्तेमाल करें, जिससे उनके